जहां एक ओर बीजेपी पार्टी यूपी उपचुनाव में पीछे चल रही है, तो वहीं गुजरात में बीजेपी विधायक पर कांग्रेस विधायक ने माइक से हमला किया है। यह हमला विधानसभा में हुआ है। जानकारी के मुताबिक गुजरात विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों में जमकर हाथापाई हुई। कांग्रेस विधायक प्रताप दुधार्क ने बीजेपी के जगदीश पंचाल को सदन में थप्पड़ मार दिया। इसके जवाब में बीजेपी के विधायकों ने कांग्रेस के विधायक अमरीश डेर की पिटाई कर दी। सदन के भीतर रेप आरोपी आसाराम पर चर्चा हो रही थी। इसी दौरान कांग्रेस के विधायक इस पर सत्ता पक्ष से अतिरिक्त सवाल पूछना चाह रहे थे, लेकिन बीजेपी विधायकों ने इसका विरोध किया। इस बीच प्रश्नकाल समाप्त हो गया और कांग्रेस विधायक अपना आपा खो बैठे। उन्होंने सदन में अपनी कुर्सी छोड़ माइक से बीजेपी विधायक पर हमला कर दिया। विधानसभा में विधायकों ने एक दूसरे पर बेल्ट से भी हमला किया। फिलहाल गुजरात में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। सदन में इस हाथापाई के बाद स्पीकर ने कांग्रेस के विधायक अमरीश डेर और विक्रम माडम को दिन भर के लिए सस्पेंड कर दिया है। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।